वहीं इटावा में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय धाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना युवक को भारी पड़ गया। वहीं पोस्ट देख बौखलाए भाजपा नेता ने युवक को फोन कर गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी है। वहीं भाजपा नेता का युवक को गाली गलौज देते एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद युवक ने थाने जाकर भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। गोरखपुर के कैंट पुलिस ने दो ऐसे शातिर स्नेचरों को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं को निशाना बनाकर उनके मोबाइल फोन, मंगलसूत्र या पर्स छीनकर फरार हो जाते थे। बता दें कि 9 जनवरी को सुबह 6:30 बजे के करीब रेलवे गोरखपुर में बुकिंग क्लर्क के पद पर कार्यरत महिला जो ऑटो से ड्यूटी पर जा रही थी, उसका हैंडबैग कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक पर कुछ स्नेचरों ने छीन लिया। इस बैग में महिला के 2 मोबाइल फोन, कुछ नकदी थे। हालांकि कैंट पुलिस के हाथ सफलता लगी और उसने 2 शातिर स्नेचरों को गिरफ्तार किया जो दिन में लोगों के बीच सफाई का कार्य करते थे और सुनसान जगह देखकर महिलाओं को निशाना बनाकर उनका पर्स, मंगलसूत्र, मोबाइल फोन, चेन जैसी चीजें लूटकर फरार हो जाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट के 6 मोबाइल फोन, 1 मंगलसूत्र, सोने का लॉकेट और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। थाना चैंद पुलिस द्वारा 2 शातिर लुटेरे पकड़े गए हैं, सोनू डोम और महेश डोम, जो देवरिया के रहने वाले हैं, जो मोबाइल भी छिनैती करते थे और महिलाओं से चैन स्नैचिंग वगैरह भी छीनते थे। तो ये कैंट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं और लूट का एक चेन भी बरामद हुआ, जो अभी कैंट थाने से एक महिला से छीना गया था। ये इन दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। जो सोनू डोम है, ये देवरिया से गैंगस्टर ब्रिज पर हुआ था और लगभग 10 मुकदमे इस पर कुल पंजीकृत हैं। उसी तरह से महेश डोम है, उस पर 5 मुकदमे हैं, उसका भी आपराधिक इतिहास है, देवरिया से भी है और यहाँ शाहपुर कोतवाली थाने से भी मोबाइल लूट के मुकदमे हैं। तो दोनों को कैंट पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक न्यायालय में आज पेश करेगी, फिर न्याय पूरा मामला है जहां पर चेन स्नेचिंग की खबरें लगातार बढ़ रही थी और इसी शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही थी। दरअसल कुछ शातिर ये जो स्नेचर हैं, वो दिन में सफाई का काम करते थे और सुनसान जगहों पर महिलाओं को निशाना बनाकर उनसे मोबाइल फोन, उनके पर्स या फिर चेन स्नेचिंग किया करते थे। तो पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया, तो फिर ये दोनों शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। तो गोरखपुर की तस्वीरें, इनके पास से कई मोबाइल फोन्स, पर्स, चेन बरामद हुई है। बरेली के थाना कोतवाली के क्षेत्र बिहारीपुर में टेंट के गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने के आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। मैं ढाल का एरिया है, ये जो है जो आवासीय क्षेत्र है जैसा नज़र आ रहा है, तो इसमें एक जो गोडाउन बनाया हुआ है, मिस्टर अंकुर है उनका गोडाउन है जो टेंट वगैरह का है, तो उसमें 11:20 के आसपास मतलब सूचना मिली, तो उसमें गाड़ी भेजी गई यहाँ सिविल लाइन से जो है। तो जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी अंदर जाके है, तो कंजेस्टेड एरिया में, तो गाड़ी कम से कम 5 या 7-8 हौज लगने के बाद मतलब 500 मीटर के आसपास जो है पानी मतलब अरेंज किया गया, तो उसमें जो है आग भी बुझा ली गई है। कोई जनहानि नुकसान तो यही बताएंगे बाद में, पर जनहानि या इंजरी वगैरह कुछ नहीं हुई। अब आग अभी देखते हैं, मतलब आग जस्ट अभी बुझी है, क्योंकि बट ये है कि मतलब ये जो गोडाउन बना हुआ है आवासीय क्षेत्र में बना हुआ है, जो मतलब नहीं होना चाहिए, जैसे इससे मतलब जान माल का या हानि होने की बहुत ज़्यादा, इस टाइप की घटना वाली होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं। तो बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई और आग के लपटे चारों तरफ दिखाई दे रही, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, किसी तरह से आग पर काबू पाया। आग लगने से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। तो बरेली की तस्वीरें जहां पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई, आग लगने से आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरा गोदाम जलकर राख हो गया था। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और किसी तरह से आग पर काबू पाया।
बद्रीनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने जोशीमठ पहुंचकर पत्रकारों के साथ बातचीत की। वही बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का फैसला स्वीकार है और वो वर्तमान विधायक से सरकार की विकास योजनाओं में पूरा सहयोग देने की आशा रखते हैं। वर्तमान विधायक को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सभी विधायक समान होते हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों या फिर विपक्षी दल। चैनलों में उन्होंने कहा सरकार मेरे लिए, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। ये विधायक के विधायक की जो वैधानिक बाध्यता है उसको प्रश्न खड़ा है। सरकार में मैं भी जब 2002 विधायक था तो कांग्रेस की तिवारी जी की सरकार थी और हमने क्षेत्र के विकास के लिए बड़े काम किए, और ये कुव्वत एक विधायक के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अधिकार हर विधायक को समान विधानसभाएं देती है, लोकतंत्र में समान अधिकार मिलते हैं, पूरा बजट मिलता है, जितना बजट धारचूला के विधायक को मिलेगा उतना बजट बद्रीनाथ के विधायक को मिलेगा। विधायक विधायक होता है, ये ठीक है कि मुख्यमंत्री घोषणा की योजना अलग हो सकती है, लेकिन जितने उनके हिस्से के काम है वो करने में सक्षम उनको होना चाहिए, और ये कहकर कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी सरकार नहीं है, वो अपने काम की क्षमता पर प्रश्न खड़ा करें। वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में 600 बीघा शत्रु भूमि का मामला सामने आया है। वहीं तहसील प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए भूमि चिन्हित करने के साथ साथ नवनिर्माण पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर लोगों के सामने आशियानों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। ग्राम सीकरी खुर्द के साथ साथ कुछ ऐसी कॉलोनियां भी हैं जिनका विरोध दर्ज करने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने तहसील परिसर में पहुंचकर उपजिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई पर रोक लगाने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। जब इस संबंध में उपजिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके पास केंद्र सरकार द्वारा आदेश आया है जिनमें उक्त कार्रवाई की गई है। जाओ आप गृह मंत्रालय चले जाओ, आज उपजिलाधिकारी महोदय कह रही है मैं डीएम साहब से बात करूंगी, डीएम साहब से बात करके मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मुरली भाई बताते हैं कि 1857 की जब क्रांति शुरू हुई थी तो हमारे सीकरी खुर्द गांव के लोगों ने बहुत ज्यादा अपर चढ़कर हिस्सा लिया था, और अंग्रेजों ने कुछ लोगों को पेड़ जो बट वृक्ष का पेड़ है उस पर फांसी भी दी थी। इसमें क्या सरकार का ये इनाम मिला है सीकरी खुर्द के लोगों को? देखिए ये जो आपने जो सवाल किया है वाकई बहुत बढ़िया सवाल है, ये पूरा इतिहास में दर्ज है, और तमाम जो हमारे 1857 की क्रांति में जो हमारे बुजुर्ग लोग बताते चले आए हैं पूरे अंग्रेजों की लड़ाई को सीकरी खुर्द में जो आज महामाया मंदिर के रूप में स्थित है, वहाँ एक वट वृक्ष भी खड़ा है। सीतापुर के खैराबाद के महंत बजरंग मुनिदास की गिरफ्तारी के बाद निर्दोष हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में शिवसेना और अखिल भारत हिंदू महासभा ने महंत की रिहाई के लिए हजरतगंज के परिवर्तन चौराहे पर प्रदर्शन किया और कहा कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, महंत की जल्द रिहाई की हमारी मांग है। सीतापुर खैराबाद में हमारी बड़ी संगत के महंत जी बजरंग मुनि जी को ऊपर 9-9 बार हमले हुए हैं, और आज उनकी स्थिति ये हो गई है, इतने हमले करने के बाद में आज वो अपने दोनों पांव से चल नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से शांति प्रिय समुदाय उनके ऊपर हमला कर रहा है और उनको बिल्कुल राडार पर रखे रहता है कि किसी भी तरीके से इसकी हत्या कर दी जाए, जिस तरीके से कमलेश तिवारी की हत्या की गई उसी तरीके से 9-9 बार उनके साथ प्रयास किया गया है, लेकिन प्रभु श्री राम की इच्छा से वो बच जा रहे हैं। ये हम लोग का भी हिंदुओं का सौभाग्य है, और जिस बयान के को लेकर उनको गिरफ्तारी दी गई उसमें उन्होंने क्षमा याचना भी की,
लेकिन उसके बाद भी सीतापुर प्रशासन ने उनको बंद कर रखा है और उसी जेल में कर रखा है जहां पे उनके आरोपी हैं, जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया वो भी उसी जेल में है। हम ये चाहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे के हम ये चाहते हैं कि एक संत जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, और वो एक संत की पीड़ा को समझ सकते हैं। बस यही मेरा आग्रह है कि संत को जो है उन हमारे बजरंग मुनि महंत जी को बिना किसी परेशानी के उनको रिहा किया जाए। यदि नहीं रिहा होती आपकी मांगे नहीं माननी या कि आगे क्या नहीं रिहा करते हैं। हम लोगों ने आज जिस तरीके से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है उसी हिसाब से हम लोग आगे भी कार्यवाही करेंगे।